कभी मोमोज के चक्कर में हॉस्टल से बाहर निकाला गया है? चलो बताती हूँ। खाने के बाद गाली खाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि आज हमारी सुबह 9 बजे से लेकर रेगुलर 5 बजे तक क्लास थी, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हमने लंच भी नहीं किया था और ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल नहीं किया था। तो हमारे पेट में कूद रहे थे बड़े बड़े साइज के, लिटरली जेंट साइज के चूहे, और हमसे हो नहीं रहा था कंट्रोल। लेकिन बात ये थी कि हमारे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है 6:40 पर, और 6:10 ऑलरेडी बज चुके थे। लेकिन मोमो की ताकत, दूध मोमो की ताकत, मोमो की ताकत इतनी तेज है कि कोई भी रिस्क आपको उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तो हमने रिस्क उठाया और हम लोग भाग लिए मोमोज खाने के लिए, क्योंकि मोमोज की दुकान हमारे हॉस्टल से प्रॉपर आई थिंक 2 किलोमीटर तक समथिंग पड़ती है, तो बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बेशर्मों की तरह टापट भागते हुए भी नहीं, आराम आराम से हम लोग जाए जा रहे हैं, आराम आराम से, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे, फटाफट मोमोज खा लेंगे। पहले हमने सोचा पैक करा लेते, बट फिर हमने सोचा कि यार पैक कराएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे और मोमोज स्टीम वाले एकदम वहीं पे, ताजा ताजा खाने में ही मजा आता। तो हम वहां गए, हम मोमोज लिटरली आराम से खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, और हम एक्चुअली अपने एक सीनियर को बोल कर आए थे कि दी हम 10 मिनट लेट हो सकते हैं। लेकिन भाई सीनियर्स बींग सीनियर्स, आप 10 मिनट का बोलोगे वो सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार करेंगे और हॉस्टल का गेट बंद करवा देंगे। और लिटरली हमें 7:50 यहीं पे खाते खाते हो चुकी थी, और फिर भी हम बेशर्मों की तरह ठूस रहे थे कि कोई नहीं, डांट तो रोज ही सुनते हैं, आज और सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अब हम तो आदि हो चुके हैं, प्राण जाए लेकिन मोमो ना जाए। फाइनली हमें फिर थोड़ी शर्म आकर हमने अपनी मैराथन दौड़ शुरू कर दी टू द हॉस्टल। इतनी आसानी से हमारे साथ कुछ हो जाए ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब आनी है जो हमें हॉस्टल जाके याद आएगी। मोमो खाने के बाद गाली खाएंगे। अब मोमो खाने के बाद गाली खाएंगे। मैं अंदर से डरा हुआ हूं भाई, भाई। मेरा तो पैर भी फाइनली हम हॉस्टल में तो पहुंच गए। सीनियर ने हमें एंट्री दे दी खूब सारी खरी खोटी सुनाने के बाद, पर कोई बात नहीं उसकी तो हमें आदत है। लेकिन हियर कम्स द मेन प्रॉब्लम, हम अपने रूम की चाबी मोमो वाले अंकल की चेयर पर भूल कर आ गए। जी हाँ, मोमो खाने में हम इतने बेवकूफों की तरह मगन हो गए थे कि हम वहां से अपने रूम की चाबी लाना ही भूल गए, और हमारा दिमाग हो गया फ्रीज, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि डूट करे तो करे क्या। अब रूम की चाबी के पर मेरे बैग का लॉक था, चाबी उसमें खुलेगी नहीं मेरी बैग बिना उसके। लिटरली आवाज लड़खड़ाने लग गई थी हमारी डर के मारे कि अब क्या करें, क्योंकि सीनियर से पहले से गाली खा चुके और उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो हमारी वाट लगा देंगे। फिर हम लोगों को आया एक आइडिया, गूगल महाराज की जय हो, हमने मोमो वाले अंकल के शॉप का नंबर निकाला, और लिटरली हमारी किस्मत अच्छी थी कि शॉप वाले अंकल जो है वो अच्छे निकले। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी चाबी अभी शॉप बंद करते हुए देने आता हूँ। और यहाँ हम जा रहे हैं गार्ड भैया को अपने कांड के बारे में बताने के लिए कि गार्ड भैया मोमो वाले अंकल शॉप ओनर जो है वो अभी आएंगे आपसे चाबी देने के लिए, तो प्लीज आप चाबी ले लें। फाइनली आधा घंटा इंतजार करने के बाद में हमारे रूम की चाबी आ गई, घाट अंकल वो चाबी लेकर आ गए, भगवान का साथ था वरना आज तो हम गए, हमारा मुंह में होने से बच गया। पर एट द एंड सुकून की सांस आ गई, हमें ऐसा लगा हमने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है और हम उसमें सफल हो गए हैं बिना किसी को पता लगे, और ये हमारा दरवाजा जिसके लिए हम इतना रो रहे थे ताला फाइनली खुल गया, यस। और नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे कभी भी जिंदगी में चाबी नहीं भूलेंगे, मोमो के चक्कर में ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। पूरा होने के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ, आज मैस में कोई स्वीट मिली थी और वो भी गुलाब जामुन, और अंकल से हम रिक्वेस्ट करके भीख मांग के लिटरली गुलाब जामुन हम 2 एक्स्ट्रा चुरा कर लेकर आए, बिकॉज आज बहुत कम बच्चे थे मैस में त्योहार की वजह से। तो आज हम भिकमंगे खुश इसलिए हैं क्योंकि हॉस्टल में कई बार हफ्तों हफ्तों के बाद एक मिठाई मिलती है और उसमें कार, और वो भी देखो, और आज हम बहुत खुश है। हेलो गाइस, थैंक यू गाइस। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार प्लीज, और लाइक भी कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर शाइन।